जय श्री राधे, जय माता की। आज मित्रों बात करते हैं, जैसे आपने शायद ही कभी सुना हो कि लोगों की भी माला बनती है और जो माता को विशेष प्रिय रहती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की जो उपासना होती है, उसी उपासना को हम कहते हैं दुर्गा देवी। महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अम्बा, पराम्बा, ये सब मिला करके इनको जगदम्बा दुर्गा देवी इनको नाम दिया गया है। तो दुर्गा देवी की कुछ विशेष प्रयोगों के लिए जो है लौंग की माला बनाई जाती है। और लौंग की माला जो है 108 दाने होना चाहिए इसमें, और रेशमी लाल जो है धागा होना चाहिए। तो रेशमी लाल धागे पे आप जो है जो आपकी विशेष कामना है, तो उस कामना के निमित्त जो है आप इसको 108 माला जो बना करके और नवरात्रि में प्रथम दिन से माता के गले में इसको डालना है। और 9 दिन तक ये माता के गले में ये माला रहेगी। तो ये 9वें दिन जो है जब आप माता का पूजन करेंगे, कन्या ब्राह्मण भोजन करेंगे, उसके कराने के बाद में हवन वगैरह से जो पूर्ण आहुति से जब भी फ्री होंगे, तो उस माला को आप माता को जो चित्रपट है माता का उसी में पहने रहने देंगे। और फिर जो कोई विशेष आपकी कामना है, उस कामना के लिए उसको आप अपने पॉकेट वगैरह में किसी में भी रख के कहीं जहाँ भी जाएं, कहीं जाना है, जैसे आपको किसी ऑफिस में परेशानी है, किसी राजकीय कार्य में परेशानी है, और विशेष करके ये विद्यार्थी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं जिनको जो है सफलता प्राप्त नहीं होती, कई बार वो IAS IPS और इस तरीके की जो परीक्षाएं देते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो होती हैं और कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं, वो कहीं आधे नंबर से, कहीं एक नंबर से, कहीं कुछ मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही रह जाते हैं, तो उनके लिए हमने एक बार नहीं कई बार ये प्रयोग किया है और माता रानी की कृपा से प्रयोग सफल रहा है। तो ये प्रयोग आपको भी हम बता रहे हैं। तो एक तो रेशमी लाल धागा लेना है और इसकी माला कैसे बनाना है 108 लोगों की, हम वो आपको बताते हैं। ये आप देखते जाइए, जैसे अभी देखो हमने ये सुई ली है और ये रेशमी लाल धागा है। अभी ले रेशमी लाल धागे में हम जो है किस तरीके से माला बनाएंगे ये आपको बताएंगे। देखिए इससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं। अब ये जैसे हमने आपको बताया रेशमी हमने धागा ले लिया है, सुई ले ली है और इसमें ये लौंग है। अब ये लौंग भी इस तरीके की होना चाहिए इसके ऊपर फूल हो, इसको साबित लौंग कहते हैं। इसमें कोई ऐसा जैसे हमारे गुरुजी बताते थे तो कोई विशेष वो नहीं है का 108 जोड़ा ही होना चाहिए। गुरुजी का ये कथन था कि भाई 108 होना चाहिए। और जैसे आपने माला देखी होगी, आप माला फेरते हैं चाहे वो रुद्राक्ष की हो या तुलसी की हो या चंदन की हो या स्फटिक की हो या हकीक की हो, किसी भी प्रकार की माला हो, कोई भी माला हो आपने देखी होगी, तो उस माला के ऊपर एक सुमेरु रहता है। तो 108 जो है दाने रहते हैं इस तरीके से मिलाओगे, एक एक करके 108 ये दाने रहेंगे और जो सुमेरु होता है वो भी हम आपको सुमेरु भी दिखाते हैंगे। जो इसमें हम लगाएंगे वो ये रहेगा इलायची का सुमेरु रहेगा, ये आपको दिखा रहे हैं, ये इलायची है, देखो साबित इलायची है, कहीं से कोई फटी नहीं है, तो इसका जो है सुमेरु रहेगा। तो पहले हम सुमेरु को लगा लेंगे सबसे पहले, फिर जो है आपको लौंग बताएंगे ऐसे ऐसे लगाना है। और मन का 108 होना चाहिए और ये 9वां रहता है। हमें ये लौंग एक सी लेना है, ये ध्यान रखना है, ऐसे लौंगों को होते जाना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। 108 लौंगे होने चाहिए और इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह माला आपको बनके तैयार हो गई है, आपने देख ली है। फिर आप जो है इस माला को माता को पहना देंगे और जब आपके 9वें रात्रि समापन हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके बाद आप जो है इस माला को जो विशेष कोई काम है तो आप उस दिन जहाँ भी जाना है आपको इसको एक लाल कपड़े में बांध करके और अपने उसमें पॉकेट में रख के जाना है। बस कुछ शर्तें हैं इसकी, जो पॉकेट में आप रख के लेकर के जाएंगे तो
तो जितने आने जाने में और जितने समय में आपका काम नहीं होता, वो चाहे आपके मजिस्ट्रेट के यहाँ का भी काम क्यों ना हो, वो भी माता रानी कृपा से काम रुकेगा नहीं। चाहे कोर्ट का हो, कचहरी का हो, थाने का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, आपका माता रानी कृपा से काम नहीं रुकेगा। और आपके अनायास कर्ज भी नहीं आएगा जब तक ये माला आपके पास में रहेगी। इस तरीके से माला पे बना करके और आप जो है भगवती को पहनाएं, और पहनाने के बाद में जो आपकी विशेष कामना है उसके लिए आप इसको अपने प्रयोग में लें। और जब भी प्रयोग में आप लेते हैं तो माता रानी के 108 नवारण मंत्र का जप करें, घी का दीपक जलाएं और इसको लाल वस्त्र में बांध के, मतलब बांधना नहीं है, ऐसे लपेट करके जो है लाल वस्त्र में, और इसको अपने पॉकेट में रख के ले जाना है। जब पॉकेट में रख के आप जाएंगे तो आपको कहीं भी मतलब बाथरूम वगैरह नहीं जाना, टॉयलेट वगैरह नहीं जाना, और इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और किसी से छूना भी नहीं है। तो ये प्रयास करें कि थोड़ी सी डिस्टेंशन भी बना के रखें इस माला को जब तक अपने पास रखें। तो क्यों, अगला कैसा है ये आपको पता नहीं है, वो नहाया है, स्नान किया है नहीं किया, वस्त्र धुले पहने या नहीं पहने, तो आपको धुले हुए वस्त्र पहनना है और बढ़िया स्नान करके, बढ़िया चंदन लगा के, माता रानी के आगे दीपक जला करके, 108 माता रानी के नवारण मंत्र का जो जप करके, और उसको उसके ऊपर घुमा करके ऐसे ऊपर अपने साथ ले जाइए। तो माता रानी कृपा से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे और आप नवरात्रि प्रारंभ होती है, चाहे वो कोई से भी नवरात्रि हो, चाहे चैत्रीय नवरात्रि हो, चाहे शारदीय नवरात्रि हो, अथवा जो गुप्त दो नवरात्रि रहते हैं वो हो, आषाढ़ी और बसंती है, तो आषाढ़ के महीने में जो पढ़ते हैं वो हो, या इसमें जो माघ के महीने पढ़ते हैं वो हो, तो चारों नवरात्रों में से कोई भी नवरात्रा हो, आप प्रतिपदा दसवीं उसके दिन अमावस के दिन इसकी माला बना के तैयार कर लें, और फिर जो है प्रतिपदा के दिन जब आप माँ का पूजन करेंगे तो पूजन करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में, ये माला माँ को अवश्य पहनाएं। और ये माला बीच में आपको उतारना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब 9 दिन पूरे हो जाएं उसके बाद इस माला को आपको अपने जो भी विशेष कामना है उसमें आप लेंगे, माता रानी आपकी सभी कामनाएं पूरी करेंगी, आप इस माला को अवश्य बनाएं। जय माता।